और ये गुदारा फुदारा कौन है साला लोरेंसिया? ये लोरेंसिया बैठा है उधर और वो बकवास कर रहा है उधर जेल में। आते तू भाई आ बाहर है, हम भी फौजी है, तू बाहर आके दिखा। ये गुदारा रोहित उधर बैठ के गलत बना रहा, मैसेज दे रहा है, उसको समझ जाना चाहिए। तेरी मौत नजदीक आ गई है। लोकतंत्र है क्या है? मजाक से बताया लोगों ने। रात को समाज में, युवाओं में, छत्तीस कौम में गुस्सा है। जब तक भाटी ने सुरक्षा नहीं मिलेगा, मैं पूरा देश भर में आंदोलन कर रहा था। उसके जो धमकी मिली है समाज का, एक पहले सुखदेव सिंह गोगामेडी को खो चुका है समाज, इसलिए समाज उस नाते उनके साथ में खड़ा है। एकमगणी राम राम, जलको जोधपुर में आपका स्वागत है। और जलको जोधपुर जो मैं हूँ आदित्य, आप मंडला जी की आप भीड़ देख रहे हो, आप भीड़ है रविंद्र सिंह भाटी री सुरक्षा वास्ते। आप भी देखिए ओला कि कमेंट है वायरल हो जिन मैंने ओ बतायो गए हो कि रविंद्र भाटी ने जान सू मारन री धमकी मिली है उनरे पछे राजपूत समाज एक हो और ओ बतायो कि जैडी हालत गोगा मेडी जीरी हुई वैडी रविंद्र सिंह भाटी री नहीं हो जावे, जिन री वजह सू आज मारवाड़ राजपूत सभा भवन सु होर कलेक्ट्रेट ऑफिस तक सर्व समाज रा लोग पहुंचिया और कलेक्टर ने ज्ञापन देवन वास्ते मुख्यमंत्री जी रे नाम रो। और ज्ञापन में ओ है कि रविंद्र भाटी ने सुरक्षा मिलनी चाहिए। अबे अठे जी का लोग आया है वांसू बात करूला और मारवाड़ राजपूत सभा रा जी का अध्यक्ष है वांसू बात करूला और आप तक पहुंचाऊला। और आप इन मामले में कई कहनी चाहो वो भी आप मैंने कमेंट कर जरूर बताई जो। आप कई कहनी चाहोला कि एक कमेंट वायरल हुए जिन रमीना रविंद्र सिंह पार्टी ने एक धमकी मिले और पाचू एक कमेंट आवे जिन रमीना वो बताया गया कि नहीं हमारी तरफ से कोई कमेंट नहीं है और रविंद्र सिंह पार्टी एक बढ़िया काम कर रही है। ऐसा है कि असामाजिक तत्वों द्वारा जो गुस्ताखी की गई है और वो पहले क्या स्टेटमेंट देते हैं बाद में क्या देते हैं उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जाता, इसलिए हमारी यही मांग है कोई एक समाज का जो हीरो है और उसको जो धमकी मिली है तो उसकी सुरक्षा प्रदान की जाए। सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है, इसलिए सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं कि उनको तुरंत प्रभाव से सुरक्षा प्रदान की जाए। और उसके साथ में जो वहाँ कुछ लोगों के साथ में जिस तरीके से अत्याचार किया गया, कुछ वर्ग विशेष के लोगों के द्वारा एक व्यक्ति को घेर कर जो मानवता को तार तार करते हुए जिस तरीके से अत्याचार किया गया, अभद्र व्यवहार किया गया, तो उसके लिए भी मानवाधिकार आयोग से हम उसकी मांग कर रहे हैं कि उसमें भी संज्ञान ले और तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए। और पुलिस प्रशासन है जो अपने लेवल पे कार्रवाई कर रहे हैं, परंतु हमारी जो महत्वपूर्ण मांग है कि रविंद्र सिंह भाटी को तुरंत प्रभाव से सुरक्षा प्रदान की जाए। पर कुछ लोग कह रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी भारतीय जनता पार्टी के साथ बगावत करी है, उनके मामले में आपको क्या कहना है? ऐसा है कि राजनीति करना सबको अपना अपना अधिकार है। अब कोई भारतीय जनता पार्टी के पास साथ में हो चाहे कांग्रेस के साथ में हो, वो निर्दलीय चुनाव लड़ा। मैं मारवाड़ राजपूत सभा का अध्यक्ष हूँ, इसलिए मैं राजनीतिक बात बाद में करूंगा, पहले समाज का बंदा है, इसलिए समाज उसके जो धमकी मिली है समाज का, एक पहले सुखदेव सिंह गोगामेडी को खो चुका है समाज, इसलिए समाज उस नाते उनके साथ में खड़ा है। बारे वास्ते सब प्रशासन और पूरे है भारत में जीता भी है वो ने बिल्कुल इजी गोइंग कर दे तो अच्छा रहेला, नहीं बहुत बुरो वेला वही तो क्या होता हूँ मैं। पर कुछ लोग क्या है कि पार्टी के साथ बगावत भी करी है रविंद्र सिंह पार्टी, वो अपना जनता जवाब दे दी, उनमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, जनता बिल्कुल रविंद्र के साथ में है। तो कई लागे अगर नकार देवे, अगर सरकार नकार देवे कि नहीं आबार सुरक्षा नहीं दे सका, उनरे पचे कई आगे प्रोसेस? उन पचे भी जनता जनार्दन बिल्कुल छत्तीस कोम साथ देला और उनमें नो प्रॉब्लम रहला और रविंद्र सिंह भाटी 2-5 लाख जीतेला, इनमें कोई दो राय नहीं। नहीं सुरक्षा सुरक्षा ने भी मोलो माँ भगवती बिल्कुल साथ है, प्रशासन नहीं दे तो भी मोलो भगवती अपना आप दे, कोई दिक्कत नहीं। कई लागे आगे की सरकार पूछ ले किन बात रही सुरक्षा? सुरक्षा जो हमने एक खो चुके हैं ना, हमारे साथ धोखा हो चुका है तो हम दूसरा नहीं करना चाहते ना, उसने सुरक्षा ने दी नहीं, सुरक्षा नहीं तो आज ये नहीं होता, इसकी लापरवाही करने की जिम्मेदार कौन होगा? पर वो भी कह रहे हैं कि कमेंट पाछो भी आयो कि रोहित गुदारा ने नाम कमेंट आया, वो कह कि मारो कोई लेनो देनो नहीं है, मैं रविंद्र सिंह पाटिल के साथ हूं। तो कौन दियो भेजियो कौन है उन्हें? उन्हें कार्रवाई करने पतो करे उस गवर्नमेंट की सरकार कर सके ना, और कौन कर सके? आप रोकेंगे राधे श्याम, वो तो प्रशासन पता करेंगे ना भाई, वो गुदारा ने वापस लिया तो उसके दूसरी जांच भी तो होनी चाहिए ना, ये थोड़ी अभी गुगा मिली एक तो खो बैठे और दूसरे का चांस और हो जाएगा तो फिर क्या करेगा प्रशासन? हाथ पे हाथ दे रहे बैठ रहे फिर क्या होगा? अभी से भी अगर जांच हो जाओ ना
तो ये आगे लंबा लंबा प्रशासन नहीं बढ़ सकता है। युवाओं बात कर ला कई लागे थाने लागण हम कहीं हूं खुले आम बात हम क्या दे रिया है पचके बे पाछो कमेंट भी था यानी कि मैं रविंद्र सिंह पार्टी साथ हूं मैं आपने बार मारा राइट मारा राइट हूं आपने धमकी दे हूं मैं आपने पाछो कह दूं वो एक तो देर हो सके गुमराह करने रे भाई बात शांत होगी टारगेट तो हो सके मैंने कोई दूसरो दी एला धमकी तो दी है बात तो खुली कई कारण लागे आपने कि रविंद्र सिंह पार्टी टारगेट है टारगेट तो कोई भी किसी समाज रो हो सके आदमी पण ई हिसाब एक बार के कारण कई लागे आपने कि एंड बार रविंद्र सिंह भाटी ही टारगेट के हो तो आप खुद ही देखो ने बाड़मेर में आप राजनीति इतनी देखी आप गई अभी हल्ला शायद इंटू करने तो पूरो एक समाज एकजुट एक साइड हो रियो एक साइड एक नूर बात हम विपक्ष हो एक तरह तो हो सके आवाज लांटा है लांटा है तो लांटा ने दबाने वास्ते भी करी करे कांड तो की भी हो सके पर लोग कह रहे कि रविंद्र सिंह पार्टी पार्टी साथ बगावत भी करी है पार्टी ज्वाइन नहीं को करी तो बगावत कहीं हुई पार्टी ज्वाइन तो करी विधानसभा चुनाव पहले चार दिन वास्ते करी हुआ तो उन लगी हो सके इन यहाँ पर सीट में वो कमजोर पटक की शिवर यहाँ पर निकालनी है तो एक तरह वो तो जुमलो हो एक तरह झूठो वादो करन दे दियो उन पाछो अगलो आप चुनाव लड़न वास्ते कौन भी खड़ो हो सके कहना भाई आप कह रहे हो बगावत की क्या भाई साहब ने बगावत की बगावत कुछ नहीं की अगर उसको पार्टी में लिया है और वो टिकट मांग रहे हैं भाई साहब तो फिर उसको वापस कैंसिल क्यों करेगा और आपको आश्वासन देना ही नहीं था आश्वासन क्यों दिया तो फिर क्या की बगावत ही पार्टी में नहीं आप बगावत की बात कर रहे हो बॉस इसलिए कह रहा हूँ बगावत कुछ नहीं किया वो अपने रास्ते पे सही चल रहे हैं भाई साहब अपने रास्ते पे सही चल रहे हैं जनता ने रविंद्र सिंह भाटी ने बोला जनता चाहेगी वो होगा जनता ने बोला खड़ा होने का जनता खड़ा किया उसके बाद में खड़ा हुआ बाकी पार्टी के पक्ष में नहीं कहा आगे इन बार आपने विधानसभा चुनाव सीट निकाल ली लोकसभा चुनाव रुक लगे 100% निकालेगा बंदा तभी तो पार्टी में आगा में चुनी है आरोप भी लग रहे हैं कि विदेशी फंडिंग है रविंद्र सिंह पार्टी माते तो एजेंसी जांच करा लो नहीं क्यों नहीं करा रिया आरोप लगाने से कुछ नहीं होता बंदा बोल रहा है कि भाई जांच करा लो वो खुद अपना खर्चा लगा के बंदे का प्रोग्राम कर रही है तो क्यों पार्टी को मिर्च लग रही है करण सिंह अपना नाम तो प्रशासन के खिलाफ नारा किया सब प्रशासन बिल्कुल खिलाफ दो कोड़ी के फेल पुलिस कुछ काम नहीं कर रही है लोकतंत्र है क्या है मजाक समझा है लोगों ने रात को समाज में युवाओं में छत्तीस कौन में गुस्सा है इस बात को लेकर हम प्रधान पीछे तैयार है अगर प्रधान ने कार्रवाई नहीं करी तो हम बहुत आंदोलन करने तैयार है पर अगर सरकार मना कर देवे किन बात की सुरक्षा अगर सुरक्षा नहीं देवे तो उंड आगे पच गई हम सरकार के खिलाफ विधानसभा के खिलाफ करेंगे चाहे हमारे इन सीट सरकार इन सीट देंगे प्रशासन खुद जताने देते हैं और रविंद्र सिंह से जल्द से जल्द नहीं रही इन युवाओं में रोष है गुस्सा है लड़ने के लिए मरने के लिए हम सब तैयार है भाई के लिए करेंगे पर लोग भी कह रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी जी का है बड़े विदेश फंडिंग आ रही है सरकार साथ बगावत है ये सब फालतू बातें हैं 26 साल का युवा जिसने जेएनयू से चुनाव जीता वो फिर लोग एमएससी से एमएलए बना आज सांसद बनने को बन रहा है बने क्या बन गया सांसद लोगों में ये गैप 26 साल युवा ताकि क्यों बढ़ रहा है ये लोगों में नाराजगी है ये छत्तीस को साथ दे रहे हैं कुछ राजनीतिक युवा मतलब जो राजनीति करते हैं वो प्रशासन है पूरे खिलाफ कर रहे हैं और कोई खिलाफ नहीं छत्तीस को साथ है वो सब साथ है सब भाई देखो हम आज ज्ञापन देने आए और एक पाछो कमेंट भी आया कि मैं रोहित गुदारा नाम रू बात सब फर्जी है रोहित गुदारा ने कोई नहीं है रोहित गुदारा की औकात ही नहीं है इतनी औकात ही नहीं है रविंद्र भाटी धमकी देते ये सब फर्जी है ये कोई फर्जी आईडी बना के दिया हुआ है नहीं रोहित गुदारा को आमने सामने बना के लो आ जाओ एकल फाइट किसी माइक तो मैं धमकी धमकी दे दो एकल फाइट कर लो ये सब फर्जी है कुछ नहीं है मिथ्या बयान है कुछ नहीं है भाई के खिलाफ षड्यंत्र है कुछ नहीं है इसके खिलाफ आज सब भाई लोग गुस्सा है इसके खिलाफ सच से कदम उठाएंगे आप लोग कहना है मारो कहना एक ही जो है कि जब तक भाटी को सुरक्षा नहीं मिलेगा मैं पूरा देश भर में आंदोलन करा ला अगर जब तक पूरी जनता सड़का माता उतरने तैयार है जब तक रोहसा नहीं सुरक्षा नहीं मिलेगा हमें सिर्फ नेता एक ही चाहिए राजस्थान में रविंद्र सिंह भाटी भाटी जब तक रहेगा जब तक देश सुरक्षा रहेगा भाटी एक मिनट रविंद्र सिंह भाटी एक ऐसा नेता है जो 36 कौम को साथ लेकर चलने वाला नेता है उसमें कौन सी ये बात नहीं है कि खाली राजपूत को देखता है ये 36 कौम को साथ लेता है और ये बहुत अच्छा नेता है इसने जेएनयू में इधर से निकला है लेकिन ये पूरे राजस्थान में एक दिन राज करेगा ये राव जी का कहना है ये देख लेना युवा तौर मत मैं यूं कहना चाहूँ की हजारों रविंद्र आज खड़ा है युवा और वायु
जब फिर नहीं तो बड़ी बड़ी सरकार आने ऊपर आस में ज्यादा टेम को लगे बचल्ला सरकार कहने चाहूँ कि राजपूत है ना तो खून शीच है और भस्मासुर मत बनो भस्म करता टेम नहीं लागे ला क्योंकि राजपूत नहीं खून शीच उड़ी पार्टी है दिमाग में कचरो निकाल दीजो रविंदर जरे रविंदर रोड माता जगह ध्यान रख जो जरे रविंदर और छतरी आगे आता रहेगा छत्तीस कौम को लेकर साथ चलने वाला एक ही बंदा है रविंदर सिंह भाटी है ठीक है बिल्कुल 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 बजनलाल सरकार बारे में नारा क्यों जो जो तुर नौ कोटी मारवाड़ के सभा भवन से आज ये रखा है रैली छोटा सा एक अभी दिखा रहे हैं क्योंकि एक रविंद्र सिंह छोटा सा एक 26 साल का बच्चा यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ से निर्दलीय आज तक कोई निर्दलीय इतना वोटों से जीत नहीं सका जो भी पार्टियां थी उन्होंने अपना ऊपर से नीचे तक जोर लगा दिया कोई किसी में नहीं जीत के अब वो शिव से विधायक बने हैं हर नेता हर जो भारत के जितने भी प्रचारक थे यहाँ पर आए थे लेकिन पीएम साहब भी फोन किया सीएम साहब 5 बार आए थे बेनीवाल साहब आए थे सब आके इधर गए थे किसी के बस की बात नहीं तो इन्होंने देखा ये उभरता एक सितारा है आने वाले के बड़े बड़े 20-30-40 साल नेता रगड़ रहे हैं उनकी कोई इतनी पहचान नहीं और उनके इतनी 36 कौम जाति साथ में नहीं और उनकी आज तक भीड़ किसी की इतनी जो रविंद्र सिंह भाटी साहब ने जो भीड़ करी है मेरी ख्याल में मेरी भी 68 उम्र होगी है मैं पन्ना सिंह राठौर बोलूं भूतपूर्व सैनिक आज तक कितनी भी आज तक रैलियां हुई मैंने देखी मैं भी कच्चीपतिपुरम का अध्यक्ष हूँ जब तक रविंद्र सिंह ने जो आज तक काम किया न तो करने वाला एक पश्चिमी राजस्थान ही पूरे भारत का ऊपर का सितारा है ये उड़ता सितारा है और हर मतलब जो भी कोई पार्टी चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो निर्दलीय ये जो भी आरएलपी वगैरह सबों का एक झलनसी हो रही है कि ऐसा आदमी हो जाएगा तो हमारी यहाँ से जड़े कट जाएगी इसीलिए उन्हें गलत षड्यंत्र सचा के कई मुग्ध में बनाने की कोशिश की और पुलिस प्रशासन भी उनके खिलाफ में थे लेकिन मैं तो ये कहता हूँ आने वाले अगर नौजवान और भारतीय 36 कौम के आप जवान युवा साथ रहो और रविंदर सिंह आपके अच्छे वोटों से जीतेंगे जीत के भारत के अंदर एक डंका ले रहेंगे दिल्ली के अंदर जाएगा जय भारत ये जाके ये आप लोगों के यूनिवर्सिटी से निकला है आप लोगों की युवा हो आपका जोश और खरोश आज से बंद नहीं होना चाहिए आज ये पहला रैला है और अपने क्या क्या लड़ाई लड़नी पड़ेगी राजस्थान के लड़नी पड़ेगी और पूरे भारत की लड़ाई रहेंगे जब तक इनका वो पूरी नहीं मिलेगी सुरक्षा जेड प्लस नहीं मिलेगी और जो भी इनके साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा लड़ी झगड़ी उनको ज्यादा से ज्यादा उनको जेल की सजा मिलनी चाहिए और ये गुदारा फोदारा कौन है साला लोरेंसिया ये लोरेंसिया बैठा है उधर और वो बकवास कर रहा है उधर जेल में आते तू भाई आ बाहर है हम भी फौजी है तू बाहर आके दिखा ये गोदारा रोहित उधर बैठ के गलत बना रहा मैसेज दे रहा उसको समझ जाना चाहिए तेरी मौत नजदीक आ गई है ये रोहित गोदारा को हमें आज इस मीडियम से बताते हैं रविंदर सिंह के लिए हमें खून भी बहाना पड़े ना तो भी कोई हजारों युवा है खून बहाने के लिए ये जो गोदारा वगैरह है ना रोहित वगैरह ये गोदारा है ना ये धमकी नहीं दे रहा है ये कोई बीच ले जो चमचे है ना वो अपने से मतलब फालतू में टिप्पणी कर रहे हैं ये फालतू में भाड़ू के भाड़े के टट्टू है ये गोदारा वोदारा हाँ अगर गोदारा करेगा लेकिन एक मिनट काकू अगर गोदारा है ना वो भी ये नहीं करेगा क्यों रविंद्र सिंह भाटी 36 कौम को साथ में लेने वाला है ठीक है ना वो अगले जो अभी संसद दिल्ली जाएगा दिल्ली में हमारे जो मरुस्थल एरिया रेगिस्तान एरिया में पानी की आवाज उठाएगा हमारे ये देख लो खेतों में पानी नहीं है ठीक है ना हैं अब हम चौमासे की खेती करते हैं हर खेत में हेडपंप होगा हेडपंप अगर नहर वगैरह कुछ भी हो रविंदर भाटी के लिए जेट प्लस से सुरक्षा कम नहीं होनी चाहिए हमारा स्पेशल निवेदन है सरकार से अरे मांडी कोई नहीं मार सके रविंदर ने मार सके कोई सूरज जल भी कोई नहीं।